प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा धामनोत और नालछा में भी लोकतंत्र बचाओ गणतंत्र बचाओ सहित महंगाई के मुद्दों पर कांग्रेसियों ने रैली निकाली। आमजनों को भाजपा सरकार से जागरूक होने का आह्वान किया। इसमें धर्मपुरी क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मीणा सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। की सरकार को गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया? इसलिए गिरा दिया गया कि इनकी नीति और नियत सही नहीं है, इसलिए इसको गिरा दिया गया। आप 15 महीने में आप देख लीजिए कि ऐसी स्थिति गरीबों के लिए की थी जो कि हमारे बीच में सहनी थी। कभी आपने हुई नहीं होगी कि हो रुपया करेंसी का बदला चाहिए, कभी नहीं हुई होगी। बिजली इतनी सस्ती कर देती थी, वो आदमी हुरजेल हो। धन बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और आज के ही दिन कांग्रेस की सरकार को माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी थे, ऐसी कांग्रेस की सरकार को आज के ही दिन कुछ गलत लोगों की संगति की वजह से गलत लोगों ने खरीद फरोख करके हमारी सरकार को गिराई और तिरंगा यात्रा के रूप में आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जिला कांग्रेस के आह्वान पर आज इस संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन हुआ। और इस यात्रा में उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश भोजदार जी, हमारे संचालनकर्ता विनोद इंदुरकर जी, मेहताब कटारे साहब, रमेश भुड़िया जी, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सरपंचगण, आदरणीय बद्री भाई, फेरुदा सुरेंद्र भाई, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पीयूष ग्वाल जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय पद्मा बहन, किरण बहन, दूर दूर से आए हुए हमारे सरपंचगण आदरणीय भगत भाई, छगन भाई। बचाओ संविधान बचाओ की तिरंगा यात्रा आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर निकाली थी। इसका उद्देश्य ये था कि आज 20 मार्च आज के ही दिन एक वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार को, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस की सरकार को कुछ बिके हुए विधायकों ने गिराने के लिए प्लान बनाया था। और आज के ही दिन हमारे माननीय कमलनाथ जी से सरकार छीनी थी। इसी उद्देश्य से काले दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा का आयोजन नालछा ब्लॉक में किया गया। क्या संदेश? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।